अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो बोर्ड का भी पेपर अपलोड किया गया है उसके न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये उसका करेक्ट सलूशन है, इसको दोबारा अपलोड किया जा रहा है। तो जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ से इसको देख के रिजॉल्व कर लें। तो ये हमने तकरीबन 4 से 5 मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पीबीए पेपर्स थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। आप नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का, मोलर मास मालूम करने का फार्मूला आपको आने चाहिए। इसके अलावा ग्राम फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, या ग्राम फार्मूला कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको आना चाहिए। ग्राम फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला मास में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जो हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इस डायग्राम में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो उनको सर्कल किया गया है, ए एफ एंड जी, ये ऑपरेटर्स यूज़ होने हैं। और ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कन्फ्यूजन थी, और यहाँ पर आप सही तरह से हमने ये इसका सोल्यूशन अपलोड कर दिए। तो उम्मीद है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी जिन लोगों को ये पता चला है कि यहाँ पर मिस्टेक है तो इसका मतलब है कि उन लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, कि वो मिस्टेक्स को फाइंड करना जो है वो समझ गए हैं, उनकी तैयारी अच्छी है। वो मज़ीद इस तरह के 2 से 3 मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, या बुक के अंदर कोई न्यूमेरिकल है, या आप किसी और वीडियो में न्यूमेरिकल देखते हैं इस तरह का, तो वो उसको ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसका हमने बताया था, ये जो ऊपर बल्ब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन जो पहले वाली वीडियो थी उसमें डायग्राम क्लियर थी। तो ए वाला सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस नहीं बनते, न्यूट्रल एटम्स हैं, बाकी जबकि बाकी दोनों में, बी और सी दोनों में आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम क्लियर नहीं है, आप इसको दोबारा उधर से देख लेना जो दूसरी वीडियो अपलोड की हुई है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है। बाकी जो मेन प्रॉब्लम था वो आपके उसका था न्यूमेरिकल का, तो वो रिजॉल्व हो चुका है, और वही एक मिस्टेक थी जिसके लिए मैंने ये दोबारा पेपर अपलोड कर दिए।